अगली खबर, जहां देहरादून में शुरू हुई बारिश गुरुवार तड़के तक जारी रही। आज सुबह देहरादून के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे एक ओर मौसम सुहावना हो गया तो वहीं दूसरी ओर शहर में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर लांबागढ़ में पहाड़ी से विशाल बोल्डर आने के कारण हाईवे बंद हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यात्री मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल रुद्रप्रयाग में बादल छाए हुए हैं और केदारनाथ में बारिश हो रही है। कोटद्वार में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से स्कूटी सवार भाई बहन घायल हो गए। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा सुबह सिद्धबल्ली बैरियर के पास हुआ है और यहां पहाड़ी से मलबा आने से NH534 बंद हो गया है। वहीं दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। मलबा हटाते वक्त जेसीबी चालक भी बाल बाल बच गया। वहीं जेसीबी क्षतिग्रस्त भी हो गई।